शेख, मेरा सवाल है कि जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो तीसरे जी दिन उसके नाम पर खाना करते हैं, या फिर अगर खाना नहीं करेंगे तो वो पैसा उठा के मस्जिद या मदरसे कहीं पर भी दे देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह। बहन का सवाल यह है कि इंतकाल के तीसरे दिन खाना खिलाते हैं लोग, या अगर खाना नहीं खिलाते हैं तो वही पैसा उठा करके किसी मस्जिद मदरसे में दे देते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? पहली बात तो ये कि मैयत की किसी की के इंतकाल पर खाना खिलाना, बाकायदा मुनासिबत के तौर पर उसको सेलिब्रेट करना, ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है। बल्कि असल तो ये है कि जिसके घर मैयत हुई है उसके घर खाना दिया जाए, उसके पास पड़ोस के लोग उसके घर खाना दें 3 दिनों तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में एक हदीस भी है कि जब जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि इसनउ ले आले जाफर तआमन فَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ مَا أَشْغَلَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ कि जो जाफर के घर वाले हैं उनके लिए खाना बनाओ, उनके पास खाना पहुंचाओ, क्योंकि उनके ऊपर एक मुसीबत आई है जिसकी वजह से वो उस मुसीबत के अंदर मशगूल हैं, तो उनके लिए खाने का इंतजाम करो। तो होना ये चाहिए, जो कि कई सारी जगहों पर है भी इसका रिवाज, कि जिसके घर मैयत हुई है उसको खाना दिया जाए, ना कि उसके घर बाकायदा खाना पके, पार्टी हो, लोग उसमें जाकर के दावतें उड़ाएं। ये हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। और अगर इसे शरीयत समझ के किया जाए तब तो ये चीज बिदात में दाखिल हो जाएगी बेला शुभा। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है कि तीसरे दिन खाना बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए, ये एक बात। दूसरी बात ये कि मैयत की जानिब से सदका करना ये जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ इसकी इजाजत दी है कि मैयत की तरफ से सदका किया जाए। अगर मैयत की तरफ से कोई माली सदका किया जाता है तो उसका अजर मैयत को इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन उसके लिए किसी दिन की तख़सीस करना ये जायज नहीं है। उसके लिए तीसरे दिन की, 13वें दिन की, 40वें दिन की, किसी दिन की तख़सीस करना ये जायज नहीं है। मैयत की जानिब से आप जब चाहें, जब आपको तौफीक हो, जब मुयस्सर हो, आप सदका कर सकते हैं, बल्कि वफात के बाद ही जरूरी नहीं है। आप कभी भी सदका करेंगे, पूरी जिंदगी कभी भी सदका करेंगे मैयत की जानिब से, तो उसका अजर उसे मिलेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, गालिबन साद बिन उबादा थे, उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा की वफात हो गई है, अचानक अगर वो जिंदा होती तो सदका करती, तो क्या मैं उनकी जानिब से सदका कर दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दिया। तो बहरहाल मैयत की जानिब से सदका करना चाहिए, उसका अजर मैयत को मिलेगा, लेकिन उसके लिए किसी दिन की तख़सीस करना ये दुरुस्त नहीं है। और खाना खिलाना, बाकायदा पार्टी मनाना, सेलिब्रेट करना, ये तो कतान भी जायज नहीं है।